लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस और भाजपा सहित सही पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। पार्टियों ने एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाई है, तो एक उम्मीदवार के लिए गहन मंथन कर उम्मीदवारों के नाम तय कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अपनी सत्ता खोई कांग्रेस एक बार फिर सत्ता काबिज होना चाहती है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहती। इसी जोर तोड़ में लगी दोनों मुख्य पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लगभग मैदान में उतार चुकी है, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपने खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से डॉक्टर गोविंद मुजालदा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने गजेंद्र पटेल पर भरोसा जताया है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा की। जैसे ही गोविंद मुजालदा का नाम पार्टी ने तय किया तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज से दिखे। उन्होंने यह कहा कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार भरोसा किया है जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है और ना ही किसी भी सामाजिक कार्यों में उनका योगदान रहा है। मुजालदा के सहयोगी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का वाक और मानकर खुशियां मना ली। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, यह बात तो उनके कट्टर विरोधी सुखलाल परमार, जो खुद भी लोकसभा के भावी उम्मीदवार थे और उनके अनुसार सबसे पहला नाम उन्हीं का था। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नाम सुखलाल परमार है, मैं बड़वानी जिले का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं PCC मेंबर हूँ। किन किन पदों पर आप अभी तक रहे? मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से लेकर के 9 साल तक बड़वानी जिले कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, और इस पीरियड में हमने विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही और दमन चक्र और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी थी, ऐसे समय में मैंने निर्भीक निडर होकर के पार्टी की सेवा की। कांग्रेस सदस्यों को अधिक से अधिक मैंने महत्व देकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? मेरी उपलब्धियां बहुत रही है। मैंने इस पीरियड के दौरान लगभग 30,000 कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाए। मेरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पुतला दहन किए, कई धरना आंदोलन दिए, और यहाँ तक कि बड़वानी जिले में जब कसराव अपने सेंधवा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, तब उनका घेराव किया एवं काले झंडे दिखाए। इसके अलावा जनपद चुनाव में जिला पंचायत मेरे कार्यकाल में बनी, और बड़वानी ज़िले में 7 जनपदों में से और 4 जनपद जो है मेरे कार्यकाल में बनी। इसके अलावा मंडी अध्यक्ष और कई सोसाइटियों में सबदूर कांग्रेस को मैंने बिठाया था। लोकसभा प्रत्याशी का जो चयन हुआ है उसमें आपसे कोई राय सवारी की गई थी क्या? देखिए कि मैं स्वयं भी एक प्रत्याशी था और मैं एक लोकसभा के लिए सशक्त दावेदार था। इसके पूर्व हमारे क्षेत्रीय विधायक ग्यारसीलाल जी रावत ने और वर्तमान मंत्री गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी ने विधानसभा में मेरे मुझसे कमिटमेंट किया था कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, आने वाले समय में आपको लोकसभा का टिकट दिलाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आपको लोकसभा का टिकट दिलवाएंगे। फिर अचानक डॉक्टर मुजालदा जी का नाम कैसे आ गया? देखिए अब ये तो ऐसा है कि डॉक्टर मुजालदा जी कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, क्योंकि डॉक्टर मुजालदा जी कांग्रेस पार्टी के एक प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, और किसी भी परिस्थिति में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि डॉक्टर गोविंद मुजालदा को लोकसभा जैसे एक महत्वपूर्ण सीट पर टिकट मिलेगा, क्योंकि जो लोग पूरे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, मैं कम से कम 30 साल से सतत कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहा हूं जी। और मैंने हमारे खरगोन और बड़वानी ज़िले के जो कैबिनेट मंत्री है, बाला बच्चन जी है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी हैं, श्री सचिन यादव जी हैं, इनके अलावा हमारे विधायक रवि जोशी जी हैं और अपने अरुण यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी हैं, उधर चंद्रभागा किराड़े जी हैं, इन लोगों से भी जब टिकट होने के बाद में मैंने संपर्क किया तो सबका यही कहना हुआ कि भाई हमारे से पार्टी ने किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं किया। कौन कौन से आदिवासी संगठन है अभी प्रदेश में? प्रदेश में देखिए महत्वपूर्ण आदिवासी संगठन तो लगभग 7 है जो कि हमारे बड़वानी और खरगोन जिले में
सक्रिय हैं, उनमें से आदिवासी मुक्ति संगठन है, आदिवासी एकता परिषद है और आदिवासी दलित मजदूर खेड़क संघ है, एक पटेल संघ है और इसके अलावा शायद ज़्यादातर यही मतलब जो है हमारे क्षेत्र में कार्यरत है। डॉक्टर मुजालदा जी किस संगठन में सक्रिय हैं? डॉक्टर मुजालदा जी जो है कि कर्मचारी रहते हुए इसमें किसी भी संगठन में सक्रिय नहीं दिखे मुझे और शायद इनके पास किसी भी संगठन की सदस्यता भी नहीं होगी। इसके ये हो सकता है, संभव ये है कि ये जो कर्मचारी संगठन रहे होंगे उसमें रहे होंगे। डॉक्टर मुजालदा जी की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, बीजेपी स्वयं अभी ये मान के चल रही है, जैसे ही डॉक्टर मुजालदा जी का नाम सामने आया है कांग्रेस तरफ से जी, तो बीजेपी स्वयं ये मान के चल रही है कि हमारी जीत निश्चित हो चुकी है और कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि इस प्रकार का जो पैराशूट उम्मीदवार जो आया है कांग्रेस की तरफ से, जिसको लेकर के पार्टी में भी काफ़ी विरोधाभास है, कोई भी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हो या कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर मुजालदा जी को जानता नहीं है और न ही डॉक्टर मुजालदा किसी को जानते हैं। ऐसी स्थिति में इनको बहुत कठिन पड़ेगा और ये समझिए कि अगर हम लोगों की मांग है कि खरगोन लोकसभा के प्रत्याशी के चयन पर पुनः विचार किया जाए और उसके लिए जैसे पूर्व से ही मेरा नाम पैनल में नंबर एक पे था, तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको इसका टिकट बदल करके और मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया जाए। इस प्रकार की हम मांग चल रही है और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक दो दिन के अंदर अंदर भेंट करने का प्रस्ताव है, उनसे टाइम लिया जा रहा है। क्या डॉक्टर मुजालदा जी का जो टिकट फाइनल हुआ है उसमें खरगोन जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस की, जुमा सोलंकी जी, उनका भी कोई योगदान है? हाँ, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, क्योंकि वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं जी और विधायक भी हैं। उन्होंने पुरजोर डॉक्टर मुजालदा जी की सिफारिश की है और उनके रिकमेंड से ही, बाकी लोग तो सब मना कर रहे हैं, उनके रिकमेंड से ही शायद इनको टिकट मिला है। और ये भी पता चला है कि डॉक्टर मुजालदा और डॉक्टर सोलंकी मैडम, झुमा सोलंकी के मिस्टर हैं, ये बिजनेस पार्टनर भी है, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुजालदा को टिकट दिलाने में मैडम झुमा सोलंकी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आप विरोध किस लिए हो रहा है इनका? विरोध इसलिए हुआ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने इतने दिन से इस 15 साल में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र से जिस प्रकार से हमने बचा के रखा है और 15 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आई है, इसको आगे और बढ़ाना है और लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो वहाँ पर एक एक सीट का महत्व है और यदि डॉक्टर मुजालदा को चेंज नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित रूप से लग रही है। इसलिए हम लोग सब कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप प्रचार करेंगे, उनका साथ देंगे, कांग्रेस साथ देगी? प्रत्याशी नहीं बदला गया तो इस संबंध में जो भी आगे सभी वरिष्ठ जन जो बैठ करके निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम सभी काम करेंगे।